का ईमान लाना। अब यहाँ पे ये है कि तकवा वालों की ये दुआ है, तो मुत्तकीन की सिफात आज नंबर 17 में अल्लाह ताला ने क्या बताई, सब्र करते हैं और सच बोलते हैं और कुनूत इख्तियार करते हैं, खर्च करते हैं अल्लाह ताला की राह में, और सबसे बड़ी बात ये कि वो पिछली रात को बख्शिश की दुआ मांगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा कि ईमान लाना जो है वो जरूरी है। ईमान की अलामत क्या है? तलबे मगफरत। यानी अगर हम ईमान ले आए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो सिर्फ ईमान ले आना काफी नहीं है, या महज हम ईमान ले आए और उसके बाद हम बख्श दिए जाएंगे या हम जन्नतों में चले जाएंगे, ये भी काफी नहीं। ईमान की अलामत क्या है? तलबे मगफरत, यानी मुसलसल जो है वो अपने गुनाहों से अपनी खताओं की तौबा मांगते रहना। ठीक है, अब सबसे पहले हम लफ्ज ईमान को देखते हैं कि ईमान जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है। ठीक है, इसका रूप जो है हमजा मीम नून अमन, और लुगत के रूप से किसी खौफ से महफूज हो जाने, दिल के मुतमईन हो जाने और इंसान के खैर आफियत से हमकनार होने को अमन कहते हैं। ठीक है, ईमान से मुराद सच्चे दिल से उन सब बातों की तस्दीक करने का नाम है जो जरूरियात दीन से हैं। शरई मानों में दिल से यकीन, जुबान से इजहार, जिस्मानी तौर पर अमल का नाम ईमान है। ठीक है, जब हम अल्लाह ताला की अताअत करेंगे तो हमारे ईमान में इजाफा होगा, और अगर हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे तो हमारे ईमान में कमी वाकया होगी। तो क्या पता चला कि ईमान जो है वो ऐसे नहीं है कि जैसे हम बाजार से 2 किलो चीज लेकर आए और वो 2 साल के बाद भी 2 किलो की 2 किलो पड़ी रहेगी। नहीं, ईमान घटता बढ़ता है। घटता किस चीज से है? जब हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। और बढ़ता किस चीज से है? जब हम अल्लाह ताला की इताअत के काम करते हैं। मसला कहाँ पे आता है? असल में हम ईमान को समझते नहीं है। ठीक है, और हम अपने आप को मोमिन कहते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हमें लगता है कि हमारे सारे मामला ठीक हो गए। अब ईमान की जो बुनियाद है वो 6 अरकान पर है। ठीक है, यानी अगर कोई शख्स कह रहा है कि मैं मोमिन हूँ या मैं ईमान वाला हूँ, या आपने ये चेक करना है कि मेरा ईमान किस दर्जे पर है, अपने आप को परसेंटेज दीजिए इन 6 अरकान में या इन 6 चीजों में। सबसे पहले ईमान बिल्ला, अल्लाह ताला पर ईमान। अब अल्लाह ताला पर ईमान से क्या मुराद? अल्लाह ताला पर ईमान के तकाजे क्या है? सूरत अल-कहफ में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जो उसकी पहली 3 आयात हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है कि अल्लाह ताला पर ईमान के 3 तकाजे। नंबर 1, अल्लाह ताला की हम्द और शुक्र किया जाए, यानी अल्लाह ताला से मोहब्बत की जाए। और मोहब्बत का तकाजा क्या है? कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करें। फिर इसी तरह अल्लाह ताला से जो है वो रहमत की उम्मीद, और अल्लाह ताला से अल्लाह ताला के नाराजगी के डर से गुनाहों को छोड़ देना, ये अल्लाह ताला पर ईमान। ठीक है, यानी अल्लाह से मोहब्बत करना नंबर 1, नंबर 2 अल्लाह ताला से डरना, और नंबर 3 अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद रखना, ये अल्लाह से ईमान। अब मुझे अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत है? क्योंकि अगर हम अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं करते, हमारा तो ईमान ही मुकम्मल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि जब तक अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें हर चीज से प्यारा ना हो जाए, यहाँ तक कि तुम्हारे वालिद, तुम्हारे बाप हर चीज से प्यारे, तब तक तुम मुसलमान नहीं हो सकते। ठीक, तो अल्लाह ताला से मोहब्बत सबसे पहली चीज, फिर उसके बाद मुझे अल्लाह ताला की रहमत पे कितना यकीन है। ठीक है, और दूसरा ये कि अहमकों की जन्नत भी नहीं बसानी के अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद पे मैं बड़े बड़े गुनाह करती रहूं कि अल्लाह ताला तो मुझे बख्श ही देंगे, ऐसे नहीं। अल्लाह ताला की रहमत जो है वो मोमिन जो है ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान बना। फिर इसी तरह अल्लाह ताला की नाराजगी के डर से गुनाहों से भी बचना। फिर उसके बाद अगली चीज है ईमान बिल मलाइका, यानी फरिश्तों पर ईमान। अब फरिश्तों पर ईमान से क्या मुराद? फरिश्तों पर ईमान से मुराद ये है कि अगर मैं फरिश्तों को मानूंगी, तभी तो मैं इस बात को मानूंगी ना कि फरिश्ते जो हैं वो आसमान से कोई चीज लेकर उतरते थे, वो वही हो सकती है, वो अल्लाह ताला का अजाब हो सकता है। इसी तरह रिस्क की तकसीम में आप देखिए फरिश्तों का अमल दखल है, बारिश बरसाने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते रखे हैं। फिर इसी तरह जो है फरिश्तों के बारे में सही अकीदा रखना, जैसे मुशरिकी ने मक्का क्या कहा करते थे, फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं नाउज बिल्ला, तो इस बात पे यकीन रखना कि फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है, वो हर वो काम करते हैं जिसका अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देते हैं, और वो जर्रा बराबर भी नाफरमानी नहीं।
फिर ईमान बिल कुतुब यानी आसमानी किताबों पर यकीन, और ये भी हमारा ईमान है कि सबसे पहली बात कि अगर हमें अल्लाह ताला पर ईमान होगा तो हम मानेंगे कि उसके फरिश्ते हैं, और हमें फरिश्तों पर ईमान होगा तो हम इस बात पर यकीन रखेंगे कि वो वही लेके नीचे उतरते थे और वो वही ही आसमानी किताब है, ठीक है। फिर अगर हमें आसमानी किताबों पर यकीन है तो फिर हम ये मानेंगे कि उसमें जो अहकाम हैं वो सारे के सारे अल्लाह ताला की तरफ से। फिर ईमान बिल रसूल, रसूलों पर ईमान, और सबसे बड़ी बात ईमान बिल आखिरत यानी क़यामत पर ईमान, और ईमान बासे बादल मौत मरने के बाद दोबारा जिंदा उठाए जाने पर ईमान। ये एक ऐसी चीज़ है ईमान बिल आखिरा जो है, ये एक तरह से यूं भी है कि अगर आप इन सबको एक चेन की तरह बनाएं तो ये सारे इंटरलिंक है एक दूसरे के साथ। तो ईमान बिल आखिरा और उसके बाद ईमान बिल कदर यानी अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान। अच्छी और बुरी तकदीर से क्या मुराद है कि मेरे साथ जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है ना वो किसी की नहुसत की वजह से है, ना वो मेरी गुड लक है, ना वो मेरे लिए कोई तो क्या कहते हैं उसको गिदर सिंगी कोई मेरे हाथ लगी है, ये हर चीज अल्लाह ताला की इल्म के मुताबिक हुआ है और मेरी तकदीर अल्लाह ताला ने लिख रखी है। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर लिखी है और अल्लाह ताला कभी मेरे लिए बुरा नहीं चाह सकता, हर चीज में अल्लाह ताला की हिकमत है, ठीक है। एक फिकरा नॉर्मली हम बोल रहे होते हैं कि अल्लाह के यहाँ देर है, देर नहीं, बिल्कुल गलत फिकरा, अल्लाह ताला के यहाँ देर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हर काम उसी टाइम पे होगा जिस टाइम पे वो लिखा हुआ था। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा करने से पहले कलम को पैदा फरमाया, ठीक है, और उससे कहा लिखो, उसने कहा अल्लाह ताला मैं क्या लिखूं, अल्लाह ताला ने फरमाया क़यामत तक पैदा होने वाले इंसानों की तकदीर लिखो। तो हमारी तकदीरें लिखी नहीं, मसला क्या है कि हमें यकीन नहीं है और हमें ये लगता है कि शायद फलां ने मुझे ये कर दिया। नज़र बरहक है, नज़र लगती है, सारा कुछ होता है, लेकिन जो जब तक अल्लाह ताला का इज़्ज़त नहीं होगा कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये 6 अरकान है ईमान के, इनके ऊपर हम अपने आप को परसेंटेज दें कि मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है। फिर अगर मेरा ईमान होगा तभी तो मुझे मगफरत की तलब लगेगी। हम क्या कह रहे होते हैं, हमें हम गुनाह करते हैं ना हमें बोझ महसूस नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो मुनाफिक होता है ना वो गुनाह को मक्खी नाक पे बैठी मक्खी की तरह उड़ा देता है, यानी उसको फील ही नहीं होता, लेकिन जो मोमिन होता है ना उसके लिए छोटी छोटी गलतियां भी पहाड़ होती हैं। हम समटाइम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, गीबत कर गए, ठीक है, जैसे आजकल का जो माहौल है आपको भी पता ही है इस तरह के हालात हुए हैं, तो थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है उसके बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। वजह क्या है, वजह यह है कि हमारे ईमान का लेवल कम, ठीक है, हमें वो चीज़ उस लेवल पे फील ही नहीं होती। हम गुनाह करते हैं, हमारी नमाज छूट जाए हमें टेंशन नहीं होती, हम वालदैन की नाफरमानी कर जाएँ, हम गुस्सा कर जाएँ, गीबत कर जाएँ, हमें फील ही नहीं होती। फिर हमें तौबा की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। गुनाह फील करने से मुराद ये है कि हमारा तौबा की तरफ ध्यान नहीं जाता, या हमें ख्याल ही नहीं आता कि मुझे आज तौबा करनी। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जैसे कपड़ा वो सीधा और पुराना हो जाता है ना, वैसे दिल भी पुराना हो जाता है, ईमान भी पुराना हो जाता है, उसकी तजदीद करते रहा करो, और दिलों पे जंग लग जाता है मुसलसल गुनाहों की वजह से, इस्तग़फार से उसको साफ किया करो। लेकिन हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता ना इस्तग़फार करने की तरफ नॉर्मली, और अगर हम करते भी हैं तो वही लगी बंदी रूटीन, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, बस दाना दाने पर दाना जा। तो असल मसला किधर है, असल मसला हमारे ईमान में, हमारे ईमान के जो 6 अरकान हैं, हमारी उनमें कमियां, इस वजह से हमें मगफरत की तलब नहीं। तो सबसे पहले जो चीज़ चेक करने वाली है वो क्या है, हम ये देखें कि हम ईमान के कौन से लेवल पर, ठीक है, और अगर कहीं कहीं पे कोई कोई कमी पेशी है, किताब के बारे में कोई शक है, रसूलों के बारे में कोई मसला आ रहा है, तकदीर के बारे में शक है, ईमान बिलाखिरा के बारे में, और सबसे बड़ी बात जो हमारा असल मसला है वो क्या है, हमें इल्म नहीं है इन चीज़ों, आखरत के बारे में तो बिल्कुल इल्म नहीं है, आखरत के स्टेजेस हमें नहीं पता, ठीक है, रसूलों के बारे में हमें, नाउज़बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। कोई भी झूम झूम के नारे लगाता हम उसके पीछे लग जाते हैं, और किसी ने भी कॉल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू किया, हम समझते हैं कि इससे बड़ा तो आलिम ही कोई नहीं है, तो अरबी में हदीस है, हालांकि हो सकता है वो बातें नबी सल्लम ने फरमाई ही ना, ठीक। जब तक हमारे पास इल्म नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमें सब कुछ पता, ठीक। ईमान के लिए इल्म हासिल करना जो है वो ज़रूरी है। फिर उसके बाद
अगला लफ्ज आता है मगफिरत तलब करना, यानी पहले ईमान चेक करना है कि हमारा ईमान किस लेवल पर है। अपने आप को परसेंटेजेस दें खुद से, क्योंकि अपने हिसाब किताब के लिए इंसान खुद ही काफ़ी है। अब उसके बाद तौबा कर, रब्बना इन्नना आमन्ना, हम ईमान ले आए, ठीक है, फ़ाग़फिर लना, बस तू हमें बख्श दे। अब बख्शिश में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी अपने गुनाहों और कसूरों की माफ़ी मांगना और बख्शिश तलब करना। और हकीकत और रूह ये है कि आदमी अपने गुनाहों को सोचे, ठीक है, जिन्होंने उसके नफ्स को घेर रखा है, यानी उसको मैला और गंदा कर रखा है, फिर असबाब मगफिरत इख्तियार करके नफ्स को उन गुनाहों से पाक करे। सबसे पहले अपने गुनाहों को सोचना है, किया भी है, ठीक है, जो मैंने गुनाह किए हैं किस वजह से किए थे। समटाइम क्या होता है कि हम गुनाह छोड़ देते हैं लेकिन असबाब नहीं छोड़ते, फिर थोड़े अरसे के बाद हम वैसे के वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गुनाह को सोचें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, गुनाह ये है कि जिसको तुम कभी भी ना चाहो कि कोई उसके बारे में जाने, यानी उसको तुम छुपा के रखना चाहो और वो तुम्हारे दिल में खटके, ठीक है। बुराई ये है जो तुम्हारे दिल में खटके और तुम इसको बुरा जानो कि कोई उसके बारे में जाने। तो हर वो चीज़ जो हम छुपके करते हैं, या हम लोगों से छुपाना चाहते हैं, या हम नहीं चाहते कि कोई शख्स जो है वो मेरी शख्सियत के इस पहलू से भी जो है वो आशना हो, वो सब बुराई है, ठीक है, वो गुनाह के काम। पहले उन गुनाहों को सोचना है, फिर उसके असबाब कि वो गुनाह में किसके साथ रह के करती हूँ, किस वजह से और किस माहौल में, फिर उसके बाद असबाब मगफिरत। अब मगफिरत करने का तरीका क्या है, सबसे पहले अपने गुनाहों का इतराफ़ करना, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, अपने गुनाहों का इतराफ़, फिर इस पर नदामत का इजहार और आइंदा गुनाह ना करने का पक्का, फिर सिद्के दिल से तौबा, ठीक है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि मैं भी दिन में 70 से 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार करता हूँ। तो हम ये कहते हैं कि हमने इतनी तौबा कर ली है, हम इतनी हज़ार दफ़ा हम इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने एक किताब पढ़ी थी, उसमें हमें ये असाइनमेंट मिला था कि आज सुबह शाम के अज़कार में 100 दफ़ा हम इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, तो आपने हर दफ़ा जब इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा है अपना कोई गुनाह इंटेंशली सोचें, उसके बाद आप कहें इस्तग़फ़िरुल्लाह, और आप यकीन करके जाने आपके 100 दाने पूरे हो जाएंगे लेकिन आपके गुनाह ख़त्म नहीं होंगे। क्योंकि इतनी इतनी गलतियाँ कमियाँ कोताहियाँ हमने कर चुके हैं, और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि वो जो हम हज़ार दफ़ा इस्तग़फ़िरुल्लाह ठक 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 चल रही, उसके बजाय वो जो 100 दफ़ा हम इंटेंशली तौर पर पढ़ेंगे ना, उसके बाद वाकई दिल की हालत बदलती है, ठीक है। तो सबसे पहले गुनाहों का इतराफ़। आप देखिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा क्यों कबूल की थी, क्योंकि उन्होंने इतराफ़ किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह ताला हमने अपने नफ्सों पे ज़ुल्म कर लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा क्यों कबूल हुई, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, बेशक मैं ज़ालिमों में से हूँ, ठीक है, मैंने अपने नफ्स पे ज़ुल्म कर लिया। अबू बकर सिद्दीक़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने कहा कि आप मुझे कोई दुआ सिखाइए, उन्होंने क्या दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, अल्लाह ताला मैंने अपने नफ्स पे ज़ुल्म किया ज़ुल्म कसीर। जब तक हम अपने आप को ज़ालिम कंसीडर नहीं करेंगे हम माफ़ी किस चीज़ की मांगे, ठीक है। तो पहले गुनाह का इतराफ़ कीजिए, उस गुनाह को समझिए ये कितनी बड़ी नाफरमानी है, और ये मैंने अल्लाह ताला की नाफरमानी कर दी। शैतान में और आदम अलैहिस्सलाम में क्या फ़र्क था, यही फ़र्क था ना, आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई वो फ़ौरन पलटे। इबलीस ने क्या कहा, फबिइज्जतिका लाउबियन्नहुम अजमईन, आपकी इज्जत की कसम मैं इन सबको बहकाऊंगा। हम इबलीस नहीं है ना, हम आदम की औलाद, खता बेशक हमारे यानी ग्रिफ्त उसमें है, सरिश्त में शामिल है, लेकिन हम तौबा भी कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए तौबा के दरवाजे खोले। तो बजाय इसके कि हम इबलीस का रवैया इख्तियार करें, आज से हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपने गुनाहों को इंटेंशली सोचना है, ठीक है, फिर हमने तौबा करनी है। अच्छा, गुनाहों से बचने का और तौबा करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, सबसे पहले उस गुनाह को गुनाह समझना है कि ये बुराई है,
फिर उससे नफरत करनी है, ठीक है? फिर जिन लोगों के साथ रह के हम वो गुनाह करते हैं अपने, उन लोगों को छोड़ना है। जिस जगह पे बैठ के आप वो गुनाह करते हैं अपनी, उस जगह को छोड़ना, ठीक है? फिर उसके बाद आप अपना आप अल्लाह ताला के सुपुर्द करिए, फिर अल्लाह ताला इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें गुनाहों से बचाए, ठीक हो गया? फिर उसके बाद अगला लफ्ज क्या आता है, वकीना अजाब नार, और हमको बचा आग के अजाब से। अब ये आग का अजाब क्या है? जहन्नुम का अजाब जो है, अल्लाह ताला इसके बारे में कुरान पाक में फरमाता है कि मोमिन जो है वो इससे बहुत डरते हैं जहन्नुम के अजाब से। और आप देखिएगा कुरान पाक में जो बहुत सारी दुआएं हैं ना, उनके आखिर में बाकी नाजा बनार लाज भी है, और रब्बा नसरीफ अन्नाजा बजहन्नम नाजा बहकाना गोरामा, बेशक इसका अजाब लिपट जाने, और इससे जो है यानी जहन्नुम के अजाब से सिर्फ बेवकूफ लोग जो है वही बेखौफ हो सकते हैं, ये कुरान पाक की आयत। अब जहन्नुम के अजाब के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया करते थे, उनकी आंखें इतनी सुर्ख हो जाती थी, और सहाबा किराम कहते हैं कि हमें यूं लगता था कि वाकई जहन्नुम हमारे सामने खड़ी है। नबी सल्लम इस तरह जहन्नुम का नक्शा खींचते, इस तरह उसकी आग की जो है वो होलनाकी बयान करते। अब आंखें जहन्नुम की अजाब और जहन्नुम की आग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मीकाईल अलैहिस्सलाम ना हंसे नहीं जब तक मैंने उन्हें, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनको हंसते हुए नहीं देखा। तो उन्होंने जिब्राइल अमीन से कहा कि ये हंसते क्यों नहीं? उन्होंने कहा क्योंकि इन्होंने जहन्नुम की आग को देखा भड़कते हुए, इस वजह से जो है ये उस दिन से लेके आज तक ये कभी हंसे नहीं, यानी वो इतनी भड़कती हुई आग। और दुनिया की आग से 69% ज्यादा गर्म वो आग है। और जो दुनिया की आग है ना, इसको इतनी दफा समंदर के पानियों से धो के इसको ठंडा किया गया है, और आप देखिए इस आग को हम नहीं सह सकते, उस आग को हम कहाँ से सहेंगे? जितना हम उस आग की होलनाकी को इमेजिन करेंगे ना, 69% ज्यादा दुनिया की आग से, और वो इंसान को कैसे जलाएगी? और आप जहन्नुम का कभी तस्किरा पढ़ना हो सूरत अल वाकिया में, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं जहन्नुम के बारे में, जिस तरह की डिस्क्रिप्शन दी है कहीं पे भी नहीं, ठीक है? तो मसला और सबसे बड़ी इस दुआ का और कोई मतलब नहीं है। या आप ये देखें नॉर्मली हम पढ़ते हैं रोबना इन्ना आमन्ना फ़िर लना ज़ुनूबना वकीना अज़ाब अन्नार, एक दफ़ा पढ़ा, दो दफ़ा, तीन, हम मांग क्या रहे हैं? अल्लाह ताला बेशक हम ईमान ले आए, फ़िर लना, अब आप हमें बख्श दीजिए, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए, वकीना अज़ाब अन्नार, और हमें आग के अज़ाब से बचाइए। ईमान लेकर आए हैं ना हम, क्या है ईमान, ठीक है? किसी दिन इंटेंशनली तौर पे इस दुआ को सोचिए, फिर आप जब इस दुआ को मांगेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस दुआ में हम मांग क्या रहे हैं। और ये तकवा वालों की दुआ है, ये मुत्तकीन की दुआ। इससे पिछली आयत में अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की सिफात बयान, मुत्तकीन का अजर बताया पिछली आयत में, और अगली आयत में मुत्तकीन की सिफात बताई, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं, और तकवा जो है ये ईमान की अगली सीढ़ी है। तो एक ही सीढ़ी पे तो नहीं रहना, दर्जे हमें दुनिया में बहुत अच्छा लगता है कि हमारे रैंक्स हाई हों, हमारे ग्रेड्स बढ़े, तो ईमान से तकवा का लेवल भी तो हासिल करना है। तो जिस जहाँ भी हमने जाना होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने आर्मी ज्वाइन करनी होती है, तो हम शुरू से ही उसकी ट्रेनिंग करनी शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुत्तकीन में हम शामिल होंगे, ज़रूर होंगे। तो उससे पहले हम उनकी दुआएँ मांगना शुरू कर दें जो उनकी सिफात अल्लाह ताला ने बताई, सवाबरीन वस्वादिकीन वल्कवानिदीन वल्मुनफिकीन वल्मुस्तफिरीन बिलअसहार। हम इंशाल्लाह इन पे काम करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा कि हम ईमान से अगली सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे जो कि मुत्तकीन का लेवल, ठीक? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो आज का हमारा टास्क होगा या इस दुआ का जो हमारा होमवर्क होगा वो क्या होगा, हमने अपने ईमान का लेवल चेक करना है कि हम शुगर लेवल चेक करते हैं, हम अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, स्किन टोन भी मैच कर रहे होते हैं। आज हमने क्या चेक करना है, आज हमने अपना ईमान की टोन चेक करनी है कि हम कहाँ पे हैं, राइट एरिया क्या है, छेर कान ईमान के, इसमें मैं कहाँ पे हूँ, अल्लाह ताला पे मुझे कितना यकीन है, अल्लाह ताला से मुझे कितनी मोहब्बत है, कितना मुझे डर है और कितनी मुझे उससे रहमत की उम्मीद है, ठीक है?
फिर मुझे फरिश्तों पे